नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि अभी जानते हैं कि जो आईपीएल है वो इस समय दुनिया का नंबर वन ब्रांड बन चुका है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि हमेशा से ही पाकिस्तानी जो है वो ये चीज बोलते हैं कि जो पीएसएल है वो आईपीएल इतना क्यों नहीं जाता, यानी कि वो हमेशा से ही इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। एक बार फिर से इस वीडियो में भी जब एंकर ने पूछा कि आखिरकार जो भारत के जो प्लेयर हैं वो इतने महंगे क्यों बिकते हैं, हमारे यहाँ जो प्लेयर है उनकी मतलब हमारे यहाँ की पूरी टीम और वहाँ के एक प्लेयर की जो पैसे की अगर बात की जाए तो वो बराबर होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि ये सब सुनकर खुद एंकर की ही हंसी निकल गई, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक मजाक वाली बात थी, क्योंकि लेकिन वो सीरियस पूछ रहे थे। लेकिन मजाक वाली बात इसलिए है क्योंकि वो जिस चीज़ से मुकाबला करना चाहते हैं वो उनसे कितना आगे हो चुका है ये तो पाकिस्तानियों को भी पता है, क्योंकि इंडिया का एक प्लेयर और पाकिस्तान की पूरी जो चार या पांच टीम जितनी भी खेलती हैं उनकी अगर प्लेयरों की इनकम की बात की जाए और भारत के एक प्लेयर की तो वो बराबर हो जाती है। तो कहीं से भी पाकिस्तान जो है मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानियों को मन बहलाने के लिए हमेशा से ये मुकाबला करते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आतिफ साहब, एक बड़ा इशू आया था बीच में, मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन बड़ी हीटेड डिबेट भी रही बीच में, बड़े मामलात आए पेमेंट के और फिर ब्रॉडकास्ट के, इन सारी चीज़ों के, लेकिन फाइनली वो सारी चीज़ें दूर कर ली हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बताएं कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से आप लोगों ने कोप अप किया। देखिए बात यह है कि हम सारे मिलके पूरी पाकिस्तानी कौम हो, ईसीबी हो, फ्रेंचाइज ओनर्स हो, उन सबकी एक ही ख्वाहिश है कि इस लीग को दुनिया की नंबर वन लीग बनाए। अब उस दुनिया की नंबर वन लीग बनाने के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश आते हैं, चाहे वो पीसीबी को हो या फ्रेंचाइज ओनर्स को, उसके ऊपर डिबेट होती है और इख्तलाफ राय होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारों की ख्वाहिश एक ही है कि इस लीग को दुनिया की नंबर वन लीग बनाए, और उसी की तरफ हमारा सफर जारी है। आपने कहा कि दुनिया के नंबर वन लीग बनाना चाहते हैं, आईपीएल हो गया, दूसरी लीग्स हो गई, राणा साहब उन लीग्स में और पीएसएल में क्या चीज, क्या फर्क नजर आता है आपको? जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, बेसिक फर्क जो है वो मॉडल का है। ऑब्वियसली आईपीएल जो है वो हमारे से काफी 10 गुना ज्यादा बड़ी है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, उनकी जो इकोनॉमी है वो डिफरेंट है। बट जो बेसिक चीज है वो है आपकी जो लीग का मॉडल है। आईपीएल में जिस तरह होम एंड अवे है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। आईपीएल में जिस तरह वो स्टार वैल्यू जिस तरह की वाती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो नहीं है। सो कोशिश यही है कि हम उसकी तरफ लेके जो है, आईपीएल में प्रोपेचिटी में टीमें हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो उसी की तरफ कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मॉडल को बेहतर करके उनको कम्पीट किया जा सके। सही, ठीक। अच्छा राणा साहब, पर्सनली अगर मैं ये पूछूं कि पीएसएल की सबसे अच्छी चीज आपको लगती क्या है? की सबसे अच्छी चीज जो है वो पाकिस्तान का रॉ टैलेंट है, यंग टैलेंट है। जिस तरह आप देखें कि जो यूएसपी है उसका, आईपीएल का यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो उनका ग्लैमर है, और पाकिस्तान सुपर लीग का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है। आप देखेंगे हर टीम के पास तीन चार ऐसे 140 प्लस वाले फास्ट बॉलर है, और जो कंपेटिटिव क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा है। आईपीएल में शायद इस तरह नहीं है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जो कि पीएसएल के अंदर है। पीएसएल में आपको बड़े तगड़े मुकाबले देखने में मिलते हैं, बड़ी बैलेंस टीम होती है। तो ये जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि पीएसएल जो है वो थोड़ी बेहतर आई थी। ओके, थैंक यू सो मच। पीएसएल 7 का आगाज होने जा रहा है और ड्राफ्टिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और जो फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने अपने अपने जो पसंद के खिलाड़ी हैं ना वो सेलेक्ट कर लिए। मैं ऑल एक्साइटेड अबाउट पीएसएल 7। वैसे अभी तक गाना नहीं आया, मैं तो सिर्फ वो सोच रहा हूँ कि पिछली बार जो नसीबोलाल ने जबरदस्त माहौल बना दिया, इस बार कब आएगा पीएसएल एंथम, मुझे तो इस चीज का इंतजार है। और वो याद है आपको लास्ट टाइम जब वो ग्रूव मेरा वाला गाना बजता था ना, थोड़ी तनकीद भी होती थी, लेकिन खैर कोई नहीं, वो इतना बजा कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फैसल, जब पीएसएल आता ना, अब एक खौफ सा हमें पैदा होना शुरू हो गया कि आया स्टेडियम में जाने की इजाजत होगी, क्योंकि आपको याद है कि लास्ट टाइम तो मेरी टिकट ही वेस्ट हो गई थी, क्योंकि जब मैच था कराची में टिकट खरीद ली भी थी, लेकिन कोविड की वजह से जा नहीं सकते थे शायक ने। एक बात बताएं, आपने अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, आपने टिकट खरीदी, आपने खरीदी थी? सच्ची सच्ची बताएं प्लीज। हाँ देखा, आपकी हंसी ने सब कुछ बता दिया। देखा देखा आपने।
तो जो आवाम से दरखास्त है वो ये दरखास्त है कि अगर आपको कहीं से मिल जाती तो भी अच्छी बात है, लेकिन खरीदे टिकट्स और PSL 7 को बहुत ज़्यादा इन्जॉय हम करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या ड्राफ्टिंग हुई है, कौन सी टीम में कौन से प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, अभी हम बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राणा साहब हमारे साथ मौजूद। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन के लिए वक्त निकालने के लिए। हमें बताइएगा कि इस साल कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि जैसे कि रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं कि हमें हर साल PSL को बड़े से बड़े से बड़ा बनाते जाना है। आप लोगों का बड़ा इसमें अहम किरदार है। सारा जितना भी बीच में कोरोना के मामला हों या दीगर कोई भी इशूज़ हों, आप लोगों ने बड़ा दबाव बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बावजूद PSL इज़ गोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग, तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त ऑब्वियसली कल बड़ा अच्छा ड्राफ्ट रहा और सारी टीमें बड़ी ज़बरदस्त उभर के सामने आई और सातवां एडिशन है, इंशाल्लाह अच्छा कंपेटिटिव मुकाबला होगा और मेरा ख्याल है दूसरा एडिशन होगा जो सारा पाकिस्तान में खेला जाएगा। अच्छा आतिफ साहब, कलंदर्स को ये एजाज़ हासिल है कि उसके पिक किए हुए प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए जाके इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, वो चाहे शाहिन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ हों या फिर फ़खर जमान या फिर कोई और, तो इस हवाले से बताइएगा क्या आप लोग मुख्तलिफ स्ट्रेटजी लाते हैं कि ऐसे प्लेयर्स चूज़ करते हैं एमर्जिंग कैटेगरी में भी कि वो जाके इंटरनेशनल में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर जाते हैं? देखिए, हमने हमारा एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वन ऑफ इट्स ओन काइंड और पूरी दुनिया उसकी मुतारफ है, और जिस तरह आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे जो अभी फ्रेदौन हमारे अमर्जिंग टैलेंट है और अहमद दानियाल हैं जो खेल रहे हैं बिग बैश में बल्कि स्टार की नुमाइंदगी करें। सो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान का यंग टैलेंट और रॉ टैलेंट जो है जिनको उस तरह प्लेटफॉर्म नहीं मिलते नॉर्मल हालात में, उनको लाहौर सिलेंडर जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और ग्रास रूट लेवल से नया टैलेंट सामने लेके आता है। इस दफा भी आप यंग और एक्साइटिंग टैलेंट जो है लाहौर सिलेंडर की तरफ से देखेंगे।